Morning student, myself Preeti Kohli will be continue theme 10 displacing indigenous people. Now we take our topic the gold rush and the growth of industries. Gold rush and the growth of industries, it means kichu gold rush, gold ki aur ud ki taraf rush karna, move out karna aur industries ki growth hona या बहुत अधिक बढ़ना. देयर वॉज ऑलवेज द होप दैट देयर वॉज गोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका. इन द 1840s ट्रेस ऑफ गोल्ड वर फाउंड इन द यूएसए इन कैलिफोर्निया. हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत अधिक गोल्ड है. 1840s में गोल्ड को यहाँ पर यूएसए में और जो कि कैलिफोर्निया में है वहाँ पर पाया गया. दिस लेड टू द गोल्ड रश व्हेन थाउजेंड ऑफ ईगर यूरोपियन हरीड टू अमेरिका इन द होप ऑफ मेकिंग अ क्विक फॉर्च्यून. इस तरह से गोल्ड रश आने से जब ये गोल्ड रश लाया गया तो थाउजेंड ऑफ पीपल ईगर हो गए, बहुत सारे उत्सुक हो गए. अमेरिका यूरोपियंस ने हरीड जल्दी से तेजी से वो लोग अमेरिका में जाने के लिए और उन्होंने अपना क्विक फॉर्च्यून या अपना अच्छा भाग्य बनाने के लिए वो लोग तैयार हो गए. दिस लेड टू द बिल्डिंग ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस द कॉन्टिनेंट फॉर विच थाउजेंड ऑफ चाइनीज वर्कर वर्क रिक्रूटेड. इसके लिए उन्हें क्योंकि तेजी से उधर जाने के लिए उनको रेलवे लाइन की आवश्यकता थी ताकि वो क्विक मूव आउट कर सकें, तो इसलिए उन्होंने कॉन्टिनेंट को अक्रॉस करने के लिए रेलवे लाइन्स को बिछाना स्टार्ट किया. तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ चाइनीज वर्कर्स की आवश्यकता थी. द यू एस ए रेलवे वॉज अकम्पनीड बाय 1870s. 1870s में यूएसए का जो रेलवे था वो कंप्लीट हुआ, तैयार किया गया. दैट ऑफ कनाडा बाय 1885. द ओल्ड नेशन क्रीप्ड ऑन एट अ स्नेल पीस एंड सेड एंड्रयू कार्नेज अ पुअर इमिग्रेंट फ्रॉम स्कॉटलैंड who became one of the first millionaire industrialists in the USA. The Republic thundered on at the speed of an express. यहाँ पर जो एक USA के बहुत बड़े गोल्ड या उनके बहुत बड़े USA के मिलेनियर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर रिपब्लिक थंडर्स में अपनी स्पीड को एक्सप्रेस किया. वन रीज़न वाई द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हैपेंड इन द इंग्लैंड, एक ही रीज़न था. क्या रीज़न था कि वहाँ सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई. व्हेन इट डिड, कब हुई? बिकॉज स्मॉल पीसेंट्स वर लॉसिंग देयर लैंड टू बिग फार्मर्स एंड मूविंग टू जॉब इन फैक्ट्रीज. आपने जैसे कि थीम 9 में देखा कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे वो अपनी जॉब के लिए फैक्ट्रीज में मूव आउट कर रहे थे और पीसेंट्स ने अपनी बहुत सारे पीसेंट्स ने अपनी जॉब को खो दिया था. इन नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज डेवलप्ड फॉर वेरी डिफरेंट रीजन टू मैन्युफैक्चर रेलवे इक्विपमेंट सो दैट रैपिड ट्रांसपोर्ट कुड लिंक डिस्टेंट places and to produce machinery which would make large scale farming easier. इस तरह से यहाँ पर जो लार्ज स्केल डिस्टेंस पर रेलवे इक्विपमेंट बनाए जा रहे थे, तेजी से ट्रांसपोर्ट को डिस्टेंट प्लेसेस के लिए लिंक किया जा रहा था. मशीनरी, नई नई मशीनरी वहाँ पर डेवलप की जा रही थी. लार्ज स्केल फार्मिंग भी ईजी हो गई थी. इंडस्ट्रियल टाउन्स ग्रू एंड फैक्ट्रीज मल्टीपल बोथ इन द यू एस ए एंड कनाडा. दोनों ही जगह, USA और कनाडा दोनों ही जगह इंडस्ट्रियल टाउन बढ़ रहे थे, फैक्ट्रीज को मल्टीप्लाई किया जा रहा था. इन 1860s USA had been an undeveloped economy. In 1890s it was the leading industrial power in the world. Large scale एग्रीकल्चर ऑल्सो एक्सपेंडेड. लार्ज स्केल एग्रीकल्चर भी यहाँ पर एक्सपेंड हुए. वास्ट एरियाज वर क्लियर एंड डिवाइडेड अप इनटू फार्म. बड़े बड़े एरियाज को फार्म्स में
डिवाइड किया गया बाई 1890s. द मिशन हैड ऑल्सो बीन एग्जरमाइनेटेड दस इन एंडिंग ऑफ द लाइफ लाइफ ऑफ हंटिंग द नेटिव हैड फॉलोड फॉर सेंचुरीज. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नेटिव्स वहाँ के वो हंटिंग को फॉलो कर रहे थे. In 1892, the USA continental expansion was completed. इस तरह से USA का continental expansion था, उसको विस्तार करने का जो उनका काम था वो complete हो गया था. The area between the Pacific and Atlantic oceans was divided up into states. There is no longer remained the frontier that the had pulled European सेटलर्स वेस्ट फॉर मैनी डिकेट्स. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यूरोपियन फ्रंटियर थे जो पोल्ड किए गए थे, उनको यूरोप में वापस ले लिया गया कई शताब्दियों से. वेस्ट से बहुत सारे यूरोपियन वापस आ गए थे विद इन अ फ्यू ईयर्स. यूएसए वॉज सेटिंग अप इट ओन कॉलोनीज. यहाँ पर यूएसए ने अपनी कॉलोनीज को सेटअप कर लिया था और हवाई और फिलीपींस में. इट बिकम एन इम्पीरियल पावर. और इस तरह से इट हैड बिकम एन इम्पीरियल पावर. यहाँ पर इम्पीरियल पावर मीन्स साम्राज्यवादी शक्तियाँ बन गई थी.